अभी ये टैंक देखकर आया मैं, टैंक नंबर 1। ऊपर नीचे आने में थोड़ा सा लगता है, वैसे तो अपना फिटनेस लेवल इतना बुरा नहीं। या सुबह उठते ही मैं पीता हूँ लेमन वाटर विद सम सॉल्ट। सॉल्ट जरूरी नहीं है बट लेमन वाटर पीना चाहिए। उसके आधे घंटे के बाद ही कुछ नाश्ता वास्ता करना चाहिए, और आज तो भाई दबा के नाश्ता करना चाहिए। रीज़न ये है कि टैंक क्लीनिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और फाइनल इंस्पेक्शन होने वाला है। तो हमारे पास है 14 टैंक, तो 7 करेगा चेक चीफ ऑफिसर और बाकी के 7 करूंगा मैं। तो देखते हैं कि इन टैंक, अब आपको लगेगा 7 टैंक बस क्या है, इसमें क्या है, इंस्पेक्ट कर लोगे, बट मेरे भाई लैडर है, 20 मीटर नीचे जाना है, 20 मीटर ऊपर आना है, अच्छे से टैंक को चेक करना है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर दूसरे में जाना है। तो नॉट एन ईजी टास्क, इट्स लाइक क्लाइंबिंग, क्या बोलूँ, इट्स लाइक क्लाइंबिंग 4-5 स्टोरीज अप डाउन अप डाउन अप डाउन 7 टाइम्स इन द हीट, नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, इन क्वाइट हीट एंड गर्मी एंड ऑल दैट। हाँ भाई, बहुत सारे स्मार्ट लोग कमेंट कर देंगे कि टैंक में जा रहे कुछ सेफ्टी नहीं है, नहीं, बट भाई हमारे 14 टैंक 3-4 दिन से धुल चुके हैं, अब तो टैंक क्लीनिंग एंड में आ रही है। हमने गैस वगैरह चेक कर दिया है और एक टैंक के पास सेफ्टी गियर हमारे रख दिए, और एकदम ही जहाज गैस फ्री है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। ये देखो, यू वॉन्ट बिलीव हु इज क्लीनिंग दिस टैंक डोम, इट्स द चीफ ऑफिसर। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, किसी भी रैंक में आपकी ऐसी वाट लग सकती है और आपको ऐसा काम करना पड़ सकता है। अभी ये टैंक देखकर आया मैं, टैंक नंबर 1। ऊपर नीचे आने में थोड़ा सा लगता है, वैसे तो अपना फिटनेस लेवल इतना बुरा नहीं है। देखते बाकी के टैंक में क्या हाल होता है, एक ना एक टैंक में आप लोग को भी लेके चलेंगे जरूर। दो टैंक कर चुका हूँ मैं, एक में मैं चीफ ऑफिसर के साथ गया था, आई एक्सप्लेन टू हिम व्हाट टू चेक, वेयर टू चेक, व्हाट सर्वेयर्स फाइंड, और अभी ये दूसरा टैंक मैंने बोसन के साथ कर लिया। बोसन को भी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या चेक करना है, क्या नॉर्मली नॉर्मल हमारे टैंक सब अच्छी कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा लैडर वैडर ये वो, मतलब हल्का सा कपड़ा उपड़ा मारना है, फिटिंग्स वगैरह हो गई। तो 2 टैंक्स डाउन। आई डोंट नो आप पढ़ सकते हो कि नहीं, ये देखिए 0, 45, 90, 135, सो ये दीज आर द एंगल्स एट विच द मशीन इज वॉशिंग। This is 2-4 tank washing going on, final cycle, 3 hours, hot water. So tank number 3, 1 port, you have been waiting for me? Okay, मैं check करके आता हूँ ये वाला tank, किसी ना किसी tank में आप लोग को भी दिखाऊंगा करना कैसे check करना। मैं ये सेफली बोल सकता हूँ कि अपना फिटनेस लेवल अभी इतना खराब नहीं है भाई, अभी भी जान है। Really? मेरे 3 टैंक और बचे हैं, नेक्स्ट टैंक में आप लोग का लकी टैंक है, दिखाता हूँ आपको। दिल तो कर रहा है कि नहा लूं, मगर नहीं, 3 टैंक करूंगा उसके बाद काम कंप्लीट पहले। चल भाई, या तुम स्टैंड बाय रहो, कीप मी इन साइट। या डिस्क्लेमर, आवर वीडियो हैज बीन शॉट अंडर सेफ सुपरविजन ऑफ मेनी क्रू मेंबर्स, एंड फॉर द पर्पस ऑफ द वीडियो आई कांट शो एनी क्रू, एनी ऑफ माय शिपमेट्स और क्रू मेंबर्स और कंपनीज लोगो, सो दिस इज द वे वी आर गोना शूट इट। तो भाई लोग, जब टैंक में जाते हो तो 3-point कॉन्टैक्ट, ये रही अपनी मशीन, टैंक इंस्पेक्शन ऊपर से देखते हुए आओ, ऊपर डेकेट वगैरह चेक करो, जगह जगह पे वाइट ट्रैक टेस्ट करो, मार के देखो। लैडर में उतरते टाइम हमेशा 3-point कॉन्टैक्ट बनाओ। टैंक के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, टैंक के बारे में अगर जानना है तो कार्गो टैंक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, वो चाहे तो देख लेना। ये सब प्लेटफॉर्म देखो कैसा चमक रहा है, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं है, तो ये सब आपको चेक करते हुए जाना है। इसके नीचे जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, सपोर्ट्स हैं, वो सब जो कॉर्नर वाले एरिया है वो सब नॉर्मली रह जाते हैं, तो वो सब आपको ध्यान से चेक करना है। ये लैडर के साइड्स को चेक करना है,
सो भाई हमारा टैंक फिलहाल चमक रहा है, आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ये बल्कहेड वगैरह सीधे सीधे आपके कोरूगेटेड बल्कहेड वगैरह देख रहे हो, इस पर नॉर्मली कुछ नहीं होता क्योंकि मशीन इनका अच्छे से वॉशिंग वगैरह हमेशा कर पाती है। जब भी प्लेटफॉर्म पे आओगे तो ये सब चेक करते हुए चलो। लैडर पे ऐसा उल्टा होके उतरने का, चलो भाई ऐसा उल्टा होके उतरने का। हाँ जैसे जैसे नीचे जाएंगे थोड़ा डे लाइट कम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ऐसा लाइट वाइट मार के देखने का। सब क्लीन है, सब चकाचक है, मस्त है, सब कुछ मस्त है यार। मेरे क्रू ने बहुत मेहनत किया यार, ये टैंक्स का हालत थोड़ा सा गंदा था, काफ़ी दिन से अच्छे से टैंक क्लीनिंग नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा मेहनत तो बहुत लग गया इनका। यहाँ पे लग रहा है कि रस्ट है, यहाँ पे थोड़ा पेंट मारना पड़ेगा हमको। सो 20 मीटर नीचे आ चुका हूँ मैं कार्गो टैंक में। ओ हो हो, इसके पीछे बैलेंस टैंक है, इसके आगे 3 port कार्गो टैंक है, पीछे अपना 5 port कार्गो टैंक है, और इसके अंदर 4 starboard कार्गो टैंक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कार्गो टैंक कॉम्प्रिहेंसिव चेक करो। ये इनको बोलते हैं हीटिंग कॉइल्स, अभी बॉटम का हमारा थोड़ा काम बचा हुआ है तो ये सब करेंगे लोग। ओके, हल्का सा रस्ट है, कॉइल्स वॉइल्स चेक करो, बॉटम का हमारा बचा हुआ है अभी यहाँ पे, अदरवाइज टैंक हमारा सब चकाचक है। सारे हॉपर कोरुगेशन फिटिंग्स ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी। भाई फाइल क्लीनिंग बची है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी है अभी। ये हमारा पंप आ गया। बहुत गर्म है यार, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा लेकिन हालत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। तो टैंक चकाचक है, अगर आपको एक्सपीरियंस होना तो आपको टैंक में घुसते ही आइडिया लग जाता है कि किस लेवल की क्लीनिंग हुई और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मोर देन द टैंक हमें फिटिंग्स और स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो कि मिस आउट हो जाती है। 4800 क्यूबिक्स अबाउट कैपेसिटी। लास्ट टैंक ये देखो क्या इसको फ्री किया है, ग्रीस मार के मक्खन बना दिया गया इसको। चल भाई देख लो मेरी हालत, पूरा भीग चुका हूँ ऊपर से नीचे। ये अपना लास्ट टैंक स्लॉप पॉट, अभी वॉशिंग चल रही है इसकी, कंप्लीट होगी तो इसको चेक कर लूंगा। आज तो भाई जिम करने की कोई जरूरत नहीं है और शायद कल भी जिम करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया काम, तो यार सोच लो कि अगर मुझे सिर्फ ये 7-8 टैंक इंस्पेक्ट करने में मेरी ऐसी हालत खराब हो रही है तो मेरे क्रू ने जो इसको चमकाया है उसने कितनी मेहनत की होगी। तो भाई लोग जहाज की नौकरी आसान नहीं है और कभी कभी ऐसी सॉलिड मजदूरों से भी ज़्यादा मेहनत वाले काम आ जाते हैं। पंगा ये कि खाली काम नहीं है, टैंक के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है, और अभी तो वेदर अच्छा है, कभी कभी थोड़ा बहुत रोलिंग वोलिंग भी हो रही थी, हिल रहा होता है। सो बहुत सेफली और बहुत इत्मीनान से सोच समझ के काम करना पड़ता है और बहुत परसिवरेंस चाहिए। आप जब एक टैंक के ऊपर आते हैं तो क्रू को दूसरे टैंक में घुसने का मन नहीं करता है। यस, सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए, पानी पीजिए, अपने को हाइड्रेटेड रहिए, कुछ भी करिए तो फिर आपकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपको पता है करना है, आपको ही करना है, हिम्मत जुटा के फिर दूसरे टैंक में जाना पड़ता है। चलो भाई लोग मेरा काम हो गया, टैंक की कंडीशन अच्छी है, आई एम रियली हैप्पी। क्रू को तो भाई अच्छी खासी पार्टी टैंक क्लीनिंग के बाद बनती ही बनती है। चलो बाय बाय। इस हालत में वीडियो एंड नहीं कर सकता। अगर आपको मेरा ये टैंक या क्लाइंब करना या कुछ भी अच्छा लगा, मजा आया, तो लाइक के बटन को ठोकना है, मारना है, फोड़ डालना है, सब्सक्राइब के बटन को भी सोच सकते हो, इतना बुरा चैनल नहीं है। इसी के साथ स्टे फिट, जय हिंद। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, कट दिस, इधर शो और से, डोंट डू बोथ। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।